आप सभी को नमस्कार आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं अली अलियावर जंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पीच एंड हियरिंग डिसेबिलिटीज का प्रोस्पेक्टिस जो रहेगा सेशन 2024-25 के लिए आपकी काफी सारी क्वेरीज आ रही थी रिगार्डिंग दी एडमिशन प्रोसेस सिलेबस कब होगा और क्या लास्ट डेट रहेगी तो उसी को लेकर आपके सामने ये वीडियो प्रस्तुत है आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा और आपको जो नेसेसरी जानकारी से चाहिए होगी वो आपको मिलेगी विदाउट डिलेइंग लेट्स प्रोसीड सो so, ये सेशन टू थाउजेंड ट्वेंटी फोर एंड ट्वेंटी फाइव एडमिशंस के लिए है पहले कोर्सेज को देख लेते हैं ड्यूरेशन देख लेते हैं एलिजिबिलिटी और कैसे एडमिशन होगा उस प्रोसेस में तो एक नहीं सारे ही जितने भी एडमिशन कोर्सेज आए हैं उन्हीं को सभी को डिस्कस कर लेते हैं सो so, पहला जो कोर्स है इसमें वो है एमएससी ऑडियोलॉजी एमएससी ऑडियोलॉजी जो है वो मुंबई सिकंदराबाद कोलकाता और आई uh, या तीन सेंटर्स पर चलता है जिसमें सीटें गिव है कहा पर कितनी कितनी सीटें होती हैं दो साल का कोर्स होता है जहां पर वो एलिजिबिलिटी मांगते हैं बैचलर ऑफ ऑडियोलॉजी एंड स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या उसके इक्विवेलेंट डिग्री अगर आपने की है विच इज रिकेकोग्नाइज बाय द रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी एनआरसीआई न्यू डेली जिसमें एग्रीगेट 55 परसेंट मार्क्स होने चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स के और 45 परसेंट मार्क्स होने चाहिए एस सी और पीडब्ल्यूडी के इसके साथ उन्होंने एक प्रिस्क्राइबड ड्यूरेशन जो है कैंडिडेट्स ने वो कंप्लीट किया हुआ हो इंटर्नशिप का एंड दे आर रजिस्टर्ड विद आरसीआई न्यू दिल्ली और इसका जो एडमिशन uh, होगा वो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम के तहत ही होगा जो इंस्टीट्यूट uh, हर साल कंडक्ट कराता है करेक्ट इसी के बाद uh, आता है ये कोलकाता वाला जो सेंटर है कोलकाता वाले सेंटर पर ये एंट्रेंस एग्जाम वेस्ट बंगाल यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेस के द्वारा कंडक्ट किया जाएगा जहां से जो क्वालिफाइंग कैंडिडेट्स होंगे वो आ सकते हैं साथ में इसी के साथ आता है अगला बी बी कोर्स के लिए आप गि uh, सेंटर्स पर अप्लाई कर सकते हैं इसमें जो नोएडा वाला सेंटर है इसके लिए क्या होगा कि गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी जो है न्यू डेली वो अपना एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करती है तो कैंडिडेट्स को वहां पर जाकर अप्लाई करना होगा इसके साथ ही अगर कोई कैंडिडेट नीट क्वालिफाई करते हैं तो नीट के तहत भी यहाँ पर एडमिशन हो जाता है इन अदर सेंटर्स लाइक मुंबई कोलकाता एक एंट्रेंस एग्जाम भी कंडक्ट किया जाता है बाय द इंस्टीट्यूट जहां पर कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं अब कैसे अप्लाई करना है वो भी हम इस वीडियो के अंत तक आपको जरूर बताएंगे तो आप वहां अप्लाई कर सकते हैं और उसको क्वालिफाई कर कर भी सीटों uh, पर अपना यू uh, नो you know, अपनी सीट ले सकते हैं फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स इस कोर्स के लिए जो एलिजिबिलिटी uh, क्राइटेरिया रहेगा वो टेन प्लस टू रहेगा विद फिजिक्स एज अ सब्जेक्ट एंड केमिस्ट्री एंड अपार्ट फ्रॉम दिस बायोलॉजी मैथमेटिक्स कंप्यूटर साइंस स्टैटिस्टिक्स इलेक्ट्रॉनिक्स साइकोलॉजी में फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट मार्क्स होना चाहिए जनरल और ओबीसी कैंडिडेट्स का और 45 परसेंट मार्क्स होना चाहिए एस सी और बीडब्ल्यू का ये चार साल का कोर्स रहता है जो भी कैंडिडेट्स उसको अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं मूविंग टूवर्ड्स द अदर पार्ट दैट इज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन एंड इन टू एट दियरिंग इम्पेयरमेंट सो पहला कोर्स है तो यहाँ पर तेईस सीटें हैं दो साल का कोर्स होता है एलिजिबिलिटी रहेगी बी एड एच आई बी एड एफ या बी एड एच एच बी एड स्पेशल एजुकेशन एच आई रेगुलर या डिस्टेंस मोड से की गई हो बाई यू सी रिक्नाइज यूनिवर्सिटी या अदर इक्विवलेंट डिग्री एफिलेटिंग यूनिवर्सिटी से हो एंड विच इज ऑल्सो लाइक की आर सी आई में भी रजिस्टर्ड होना चाहिए और उसमें कैंडिडेट्स के 50 परसेंट एग्रीगेट मार्क्स होने चाहिए इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है जिसने बी एड जनरल किया हुआ है जनरल एजुकेशन से किया हुआ है उसमें भी फिफ्टी परसेंट एग्रीगेट मार्क्स चाहिए और उसी के साथ में उनके पास डिप्लोमा होना चाहिए स्पेशल एजुकेशन में एच आई में विच इज इक्विवलेंट एज रेकग्नाइज बाई दर सी आई इसमें भी फिफ्टी परसेंट जो एग्रीगेट मार्क्स है वो होने चाहिए करेक्ट और इसका जो एडमिशन प्रोसेस होता है वो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम ऑफ अलियावर जंग के तहत होता है ये मुंबई वाले सेंटर पर चलता है सिर्फ उसके बाद आता है डिस्ली का कोर्स ये मुंबई और कोलकाता वाले सेंटर पर चलता है जो पहले नोएडा वाले सेंटर पर चलता था वो अभी आई एस एल आर टी सी में Uh, हो गया है वहां पर दिल्ली में साइन uh, लैंग्वेज जो कोर्सेज है वो वहां पर चलते हैं दोनों ही सेंटर पर पंद्रह जो सीटें हैं ईच रहेंगी ये भी दो साल का कोर्स रहता है इसमें भी जो एलिजिबिलिटी है वो टेन प्लस टू रहेगी विद फिफ्टी परसेंट मार्क्स और एंट्रेंस uh, एग्जाम होता है आर कराता है अगर ए कराता है तो होगा लास्ट टाइम ऐसा हुआ था दैट इट हैपन थ्रू दैरिट लिस्ट सो ऐसा भी हो सकता है डिपेंड्स कंप्लीटली ऑन दी आर सी आई इसके बाद है पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन ऑडिटरी वर्बल थेरेपी थेरे जिसे कहते हैं पीजीटी एवीटी और यहाँ पर मुंबई वाले सेंटर में होता है बीस सीटें होती हैं और एक साल का कोर्स होता है जिसके लिए एलिजिबिलिटी होगी कोई भी ग्रेजुएट डिग्री इन ऑडियोलॉजी स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजी या स्पीच या फिर हियरिंग और स्पेशल एजुकेशन अगर एच से किया हुआ है या उसके इक्विवेलेंट डिग्री की हुई है किसी भी यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से तो आप पीजीडी जी एवीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं साथ साथ आपको आरसीआई के साथ भी रजिस्टर्ड होना होगा इसका भी जो आ, एंट्रेंस होगा वो ऑल इंडिया एंट्रेंस एग्जाम जो अलियावरजंग नेशनल इंस्टीट्यूट करता है उसी के तहतीस में एडमिशन लिया जाता है इसके बाद है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर के लिए जो सीआरसी पे चलते हैं कोर्सेज पीजीडीपी भोपाल में चलता है बीस सीटें हैं एक साल का कोर्स है और इस कोर्स के लिए एडमिशन के लिए मिनिमम एजुकेशन रिक्वायरमेंट जो होती है वो बैचलर डिग्री होती है रेगुलर मोड में विद जनरल साइकोलॉजी कोर्स इन ऑल द थ्री इयर्स में अगर साइकोलॉजी पढ़ी है तो अलग अलग वेज है अगर साइकोलॉजी पढ़ी है डिस्टेंस मोड या रेगुलर मोड में मास्टर्स किया है मास्टर्स डिग्री करी है काउंसिलिंग साइकोलॉजी इदर इन रेगुलर और डिस्टेंस मोड विद फिफ्टी परसेंट एग्रीगे 55% aggregate marks, और uh, for SCST and OBC category, 50% marks चाहिए होता है essential है admission जो होगा होगा वो एक पोर्टल के admission पोर्टल के थ्रू होगा, जो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन प्रदेश कंडक्ट करता है या ओपन करता है जहां पर भी आप क्वालिफिकेशन पर स्टार मार्क्स देख रहे हैं वहां पर आप जरूर देख लें कि uh, जो एडमिशन प्रोसेस है क्या वो इंस्टीट्यूट कंडक्ट करा रहा है या वो किसी और इंस्टीट्यूट या यूनिवर्सिटी के तहत एडमिशन ले रहे हैं वहां पर साथ में सीई और नीट का भी जो प्रावधान है वो भी इसमें लागू होता है तो कई कैंडिडेट्स हैं जो बी एस में एडमिशन लेते हैं थ्रू नीट जो वो नीट अप्लाई करते हैं और उन, उनका क्वालिफाई होता है तो सर्टन मार्क्स पे वो बी में भी एडमिशन ले सकते हैं करेक्ट सो so, uh, कुछ सेंटर्स हैं जो ट्रेनिंग सेंटर्स आप देखना चाहें इंस्टीट्यूट के वो ये वाले हैं आप यहाँ से उसका एड्रेस नोट डाउन कर सकते हैं जिससे कि जब आप अप्लाई करें तो आपको पता हो कि कहाँ पर आपको अप्लाई करना है और कहाँ पर जाना है करेक्ट सो so, अब हम डायरेक्टली बढ़ते हैं कि लास्ट डेट कब है इसकी तो इसकी लास्ट डेट है थर्टीथ सिक्स टू करेक्ट तो जून जो है तीस जून इसकी आखिरी डेट है और कब कब होने हैं एग्जाम उसकी टिनेटिव डेट्स भी दी गई हैं ये वो सारे सेंटर्स यहाँ पर गिवेन हैं जहाँ पर जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट किया जाएगा बीएसएलपी के लिए तेरह जुलाई नौ बजे का एग्जाम रहेगा ये टिनेटिव डेट्स हैं इट माइट चेंज एमए एमएसएलपी एमएससी के लिए रहेगा ये वाले सेंटर्स रहेंगे और 20 तारीख को जुलाई में ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा एमएड स्पेशल एजुकेशन के लिए देख लीजिए ये वाले सेंटर्स रहेंगे और 27 सात 2024 को ये एग्जाम कंडक्ट किया जाएगा ऑन सिमिलर डेट ही पीजीडी एबीटी का एग्जाम भी कंडक्ट किया जाएगा लेकिन आपको अपने सेंटर्स ध्यान से देखना है क्योंकि जब आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये सेंटर्स भरने होंगे और आप वहीं पर जाकर अपना एंट्रेंस एग्जाम देंगे एंट्रेंस एग्जाम देने के लिए आपको ऑनलाइन ही अप्लाई करना होगा थ्रू पोर्टल तो उसका लिंक आपको कमेंट सेक्शन में पिन अप कर दिया जाएगा आप डायरेक्टली वहां जाकर आ, दे सकते हैं अपना एग्जाम दे सकते हैं अपना एग्जाम अप्लाई कर सकते हैं तो ये कुछ सेंटर्स हैं जिनके आ, ऑलरेडी एड्रेसेस गिवन हैं आप देख लीजिएगा आपके घर के कौन से नजदीक पड़ता है आपके सिटी में कौन सा पड़ता है उस बेसिस पर आप दे सकते हैं इसी के साथ एक और इन्फॉर्मेशन देनी थी कि एंट्रेंस एग्जाम कौन सी भाषा में होगा तो अगर आप ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल पर करते हैं तो वो इंग्लिश भाषा में ही गिविन है जो प्रोस्पेक्ट में ऑलरेडी गिविन है दैट आई विल शो यू लेटर सो फीस एक बार डिस्कस कर लेते हैं अगर आप एम के लिए जाते हैं तो रुपीस ट्यूशन फीस होगी पांच हजार लाइब्रेरी का चार्ज होगा और हॉस्टल अगर आप अवेल करते हैं तो अट्ठारह हजार हॉस्टल रहेगा और इसके साथ क्वेश्चन मनी जो पांच हजार रुपए की रहेगी वो आपको डिपॉजिट करनी होगी ये जो लाइब्रेरी चार्ज हॉस्टल फीस और क्वेश्चन मनी ये ऑलमोस्ट सेम रहेगी सभी कोर्सेज के अंदर क्या डिफरेंस रहेगा वो रहेगा ट्यूशन फीस का अगर आप बी के लिए जाते हैं तो तेईस हजार सौ रुपए की फीस रहती है डिसले के लिए दस हजार रुपए की फीस और पीजी डी एबीटी के लिए पचास हजार रुपए की फीस आपने भरनी होती है बाकी के जो चार्जेस हैं, वो सभी के लिए कॉमन है थर्टी जो कंसेशन है वो दिया जाएगा एस uh, सी या पीडब्ल्यू कैंडिडेट को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन रहता है इंग्लिश एग्जाम का एज आई वॉज टेलिंग यू अगर इसके अपार्ट भी आपको कोई डाउट है कोई क्वेरी है तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में आप जरूर पिनअप कीजिएगा वी विल ट्राई आ बेस्ट टू रीच आउट यू एंड गिव यू द प्रॉपर गाइडेंस जितना हमसे हो पाएगा हम आपको जरूर देंगे वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद आपके कमेंट्स के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद एंड वी विल कंटिन्यू फॉलोइंग द प्रोसीजर सो थैंक यू सो